गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं इतने दिनों से इनएक्टिव थी क्योंकि मेरा घर बन रहा था एंड बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, इसलिए मैं थोड़ा इनएक्टिव हो गई थी। लेकिन इंशाल्लाह आपसे मैं एक्टिव रहूँगी, यूट्यूब पे पोस्ट करती रहूँगी। मुझे आप लोगों को मेरा रूम टूर देना है, मतलब पूरे घर का टूर देना है, फिर मेरे स्किन केयर मेकअप, मतलब आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पूछी थी तो वो सब मैं धीरे धीरे करके पोस्ट करूँगी। तो आज तो फिलहाल कौशा बाबा के और उसका सेकेंड डे है, तो इंशाल्लाह अगर मैं वहाँ पे गई तो मैं वहाँ का भी व्लॉग लूँगी। कल मैं गई थी तो मैं नहीं शूट कर पाई क्योंकि मेरा मन नहीं था, लेकिन अब मेरा मन है तो मैं इतना रेडी होके एक वीडियो बना रही थी जो बन चुका है। तो जाना आप इंस्टा पे देखना मेरे वीडियोज़। और ये जो मैंने मेकअप किया उसका भी मैं ट्यूटोरियल दूँगी। मैंने ना फाउंडेशन लगाया ना कंसीलर लगाया है, फिर भी मेरी स्किन देखोगा। इससे मैंने मस्कारा, आई शेडो हल्का, ब्लश, लिपस्टिक, आईब्रो, लैशेस, और ये मेरे नेचुरल लैशेस लगाए, नो फेक। तो मैं सब बताऊँगी, तो स्टे ट्यून्ड। देखो मेरी छोटी सी बच्ची फ्लफी है, फ्लफी जो अभी सो के पूरे अपने आप को गंदा कर चुके हैं। आप क्या आँख देख सकते हो आप? अरे सॉरी, आप इसकी आँख देख सकते हो। फ्लफू, फ्लफी, आ जाओ ऊपर, आ जाओ जल्दी, आ जा माँ ऊपर। ये मेरी छोटी सी बच्ची है फ्लफी, और मेरा आज गाइस बैंगल्स पहना है वीडियो के लिए, आ जाओ ऊपर चला। वैसे ग्लिम्स बता देती हूँ कि मैंने ना अपने हॉल का थीम लाइक ऐसे कलरफुल लग रखा था, वाइट, पिंक, पर्पल, ऐसे सब मिक्स कलर रखे थे। एंड मैंने अपना बेडरूम का जो था वो मैंने ब्लैक, ग्रे, गोल्डन टाइप रखा था, ब्लैक एस्थेटिक रखा था। तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। एंड मेरा रूम इतना अच्छा बना, मतलब मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि इतने अच्छे से बन जाएगा, तो बन गया। तो मैं शायद इंशाल्लाह जब मेरा पूरा और भी मेरे काम बाकी है, लाइक अभी तो वॉलपेपर लगना बाकी है, बहुत सारी चीज़ें बाकी है, तो शायद वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं डालूँगी अपना रूम टूर, हॉल टूर, जो भी बोल लो वो। और आज मैं आप लोगों को मेरा मेकअप ट्यूटोरियल देने वाली हूँ एंड नॉर्मल स्किन केयर बताऊँगी, तो देखते रहो। तो गाइस मैंने अभी अपना मेकअप वगैरह सब निकाल दिया और अब मैं कर रही हूँ थोड़ी अपनी स्नैकिंग, तो उसमें मैं खा रही हूँ बादाम, नटेला। और मैं आपको मेरा ड्रॉ बताती हूँ। मैं एक फूडी हूँ तो मेरे पास इतना सारा है, इसके अंदर सब बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट है सब। अब क्योंकि हम लोग ने ये नया बनाया तो इसके अंदर मैंने ये डाला है, वो लक्ष्मण जी का चौक आता है वो, बेरी मिल्क। हम लोग गोवा गए थे तो वहाँ के काजूस, और ये कोकोनट ऑयल जो एक बॉटल ख़त्म हो चुकी है और एक बॉटल है जो मैं और सरजिल रोज़ एक चम्मच पीते हैं। एंड ये मेरा खाने का डब्बा, और ये मेरी फ्लफी, और ये मेरी मिल्क का डब्बा। फ्लफी, अरे फ्लफू, फ्लफी से हाय। और इधर नहीं नहीं नहीं, और ये मैंने रियल प्लांट लाया, यहाँ पर भी है और एक वहाँ पर भी बैठ के कॉल। गाइस अभी हो रहा है सर्जिल रेडी, और अभी हो रहे हैं 8 शाम के, तो सब में पहले ये जाएगा, उसके बाद मैं बाइक लेके जाऊँगी आकार, दोनों कोई एक है ना सर्जिल। और सर्जिल ने ईद वाले कपड़े पे ओ माय गॉड, स्मार्टी बॉय, चबी बॉय। गाइस मैं वैसे ही अपने दोपहर वाले अवतार पे हूँ, अभी मैं जाऊँगी रेडियो में, मैं जाऊँगी 10 बजे तक का। एंड मेरे ड्रेसिंग टेबल पे जा रहे सरचिल और रेडियो रे। तुमने मेरे को बोले थे कि तुम नहीं जाएगे मेरे ड्रेसिंग टेबल पे, लाइट चालू करो मेरे ड्रेसिंग टेबल की, देख लो गाइस व्लॉग आएगा, व्लॉग आएगा। अभी सर्जिल बना रहा है बाल और मैं वो ऐसे अपने अवतार पे, अभी मैं जाऊँगी रेडियो में एंड मैं आपको मेरे कपड़े भी बताऊँगी और रेडियो में कैसे होगी वो भी बताऊँगी। तो गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी, मैंने अपने सूट पहन लिए जो मैं आपको बाद में बताऊँगी। सो मैंने सिर्फ अप्ना फेस वॉश किया है, ना मैंने कुछ अभी तक अप्लाई किया है, ना ही मैंने कुछ लगाया है। सो सब में पहले मैं लगाती हूँ ये रोज़ वाटर जो वाव का, जो मैंने इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया क्योंकि उसका बॉटल
मतलब इसे पोर करने वाला था, नाइस स्प्रे वाला था। तो पहले रोज़ वाटर लगाते हैं। इसको अच्छे से थोड़ा बहुत ड्राई होने देने का। मुझे छोटा वाला फ़ैन चाहिए यार, क्या फटाफट सूखे। और ये वाला है पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र। अगर दोपहर रहती है तो मैं दोपहर में लगाती हूँ विटामिन सी का सीरम जो है गार्नियर का, वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने, मतलब ख़त्म हो चुका है, लेकिन और एक स्टॉक करना है मुझे, ये मैं दोपहर को लगाती हूँ। दैन उसके बाद मॉइस्चराइज़र, उसके बाद सनस्क्रीन। लेकिन अभी मैं, अभी तो रात हो चुकी है तो ना ही धूप रहेगी ना कुछ, तो सिर्फ रोज़ वाटर एंड मॉइस्चराइज़र हल्का फुल्का। और ये मॉइस्चराइज़र है हाइलोरोनिक एसिड वाला, जो स्किन को मतलब मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, हाइड्रेशन देता है। और इसको दो मिनट नहीं, लाइक 30 सेकेंड जब उसको ड्राई होने देंगे तो वो कम्प्लीटली अपने स्किन में अब्सॉर्ब हो जाए। एंड पहले मेरे मुंह पे भी बहुत सारे पिंपल्स थे, लेकिन जब से मैंने PRP कराना स्टार्ट किया है, अब देख सकते हो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुकी है। एक्चुअल मैं PRP इस मार्क्स की वजह से कराती थी, ये मेरा एक्सीडेंट का मार्क्स है। जब मैं छोटी थी तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरी अम्मी, मामा, मेरा और सोफ़ी का, तो उसके मार्क्स है, तो मुझे थोड़े नहीं अच्छे लगते थे, तो वो अभी फिल हुआ है। सिर्फ ये बाकी है जो अभी और 3-4 सेशन में हो जाएगा। और ये PRP करा रही हूँ मैं प्लश क्लिनिक से, जो है वाशी में, कॉपर खिलाने में। और अगर आपके पास इतना दूर जाने का टाइम नहीं, तो आप कोई भी डर्मेट के पास जा सकते हैं जो अच्छी हो। दैन उसके बाद लगाएंगे हम ब्लश डायरेक्टली, क्योंकि ना मुझे डार्क सर्कल्स है ना मैं कुछ लगाती हूँ, मुझे फाउंडेशन वगैरह इतना नहीं पसंद है। तो अगर आपको डार्क सर्कल्स है तो आप यहाँ पे कंसीलर लगा सकते हो आईज़ पे, और जहाँ पे आपको पिगमेंटेशन है वहाँ पे मैं डायरेक्ट ब्लश लगाऊंगी। और ये ब्लश है शुगर का, जो कॉन्टोर, हाईलाइट और ब्लश तीनों का मिक्सचर है। मैं यहाँ पर मिरर है तो मैं थोड़ा यहाँ पर दिख कर लगा दूँ, मुझे अच्छा लगा। ये अपन ब्लश यहाँ आईब्रो तक ले गया तो थोड़ा और अच्छा लगता है, नेचुरल लगता है। हम इतने गोरे हैं नहीं कि हमें नेचुरल ब्लश आए, तो लगा लेते हैं थोड़ा। और ये पीछे में आवाज़ फ्लफी कर रही है, और थोड़ा नोज पे भी क्यूट क्यूट लगे अपन, एंड यहाँ पे भी। मुझे थोड़ा ज़्यादा ब्लश पसंद है तो मैं ज़्यादा लगाऊंगी, अगर आपको कम पसंद है तो आप कम लगाओ, सबकी अपनी अपनी चॉइस। क्योंकि ब्लश मेल्ट हो जाएगा थोड़े दिन में, पसीने मतलब थोड़े देर में पसीना पसीना हो के, क्योंकि मुंबई में ठंडी गर्मी कुछ समझ में नहीं आता है। एंड साथ में ही उसके बाजू में है हाइलाइटर, जो बहुत ही मिनिमल है, अच्छा ग्लो देता है, लाइक बहुत नेचुरल लगता है, तो वो थोड़ा लगा लेंगे। ऐसे तो है अपनी चमकती स्किन, पर फिर भी ये हो गया फेस कंप्लीट। अभी इसके बाद मैं लगाऊंगी आईब्रोज, विल गो फॉर आईब्रोज शूट करो। इसके लिए मुझे अपना छोटा मिरर यूज़ करना पड़ेगा। ये इसका वो है ब्रश है, एंड ये उसका एप्लीकेटर है जिससे वो आईब्रो पेंसिल निकलता है। और ये ब्लू हेवन का है, ये सबके लिंक मैं डाल दूँगी तो आप लोग ले लेना, बहुत ही मेरा सस्ता मेकअप है लेकिन बहुत अच्छा मेकअप है। एकदम हल्का हल्का ब्राउज करेंगे कि अपने मेरा आईब्रोज ऐसे ही अच्छे हैं। एंड एक बात बताओ, मैंने अभी तक आईब्रोज नहीं बनाया गाइस, कभी भी मैंने आईब्रोज पे अपने थ्रेड नहीं किया, ना ही कुछ ऐसे कि वो अपने आप जैसे ही बचपन से थे अभी तक मेरे आईब्रोज वैसे ही है। और ये तो मेरा एक्सीडेंट का है, सो अब लगाऊंगी मैं लिप बाम, क्योंकि वो थोड़े मेरे फटे फटे हैं, स्मूथ हो जाए।
और ये लिप बाम तो अपना हिमालय का है। फिर ये मैंने शुगर प्लम का एनकी का जो पैलेट है वो लिया है। ये सब अपने को डायका पे मिल जाता है, तो उसका मैं ये शेड लूँगी अपने इनर आइज़ को से वैसे ऐसे टच करने, तो ये बहुत अच्छा लगता है। ये आप लोग हाइलाइटर से भी कर सकते हो अगर आपके पास आई शेडो नहीं है तो। अभी करेंगे अपने आईलाइट को थोड़ा खोल, देख सकते हो सिर्फ कर्ल करने से मेरा आईलाइट इतने अच्छे माशाल्लाह लग रहे। और मैं यूज़ करूँगी हाइपर कर्ल का मेबेलिन का मस्कारा जो बहुत अच्छा है। मैं सिर्फ इसकी एक कोट लगाऊंगी बस, एक कोट में कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे क्यों होता है कि अपन मस्कारा लगाते तो अपना मुंह घुल जाता है खुल जाता है, बट ठीक है। अब मैं अपना मेकअप करती हूँ फटाफट से, और अब यूज़ करेंगे लिपस्टिक जो एंड है। अगर आप चाहे तो काजल भी लगा सकते हो, लेकिन आज मुझे काजल लगाने का दिल नहीं कर रहा है। यह है वायरल इंक मेबेलिन का इन शेड लिपी 10। मेरे पास ऐसे 4 शेड है, वो मैं बताऊँगी बाद में। ये हो गया, अब इसको पोंछ लेते हैं। एकदम हल्का सा लेना यार, मुझे पता ना लिपस्टिक लगाने आता नहीं है, अभी अभी थोड़ा मैं सीख रही हूँ। बाकी तो मैं आड़ा टेढ़ा लगाती थी, तो मुझे मिरर लगेगा। अच्छी लग रही है, लाइक अभी थोड़ा ड्राई होगी तो अच्छी लगेगी। अब ये थोड़ी वेट वेट है, और ये थोड़ी ग्लॉसी फिनिश वाली लिपस्टिक है, तो मैं अभी अभी लगाने लगी हूँ तो अच्छी लगती है मुझे, एंड लॉन्ग लास्टिंग भी है। सो यहाँ होता है मेरा ये कंप्लीट मेकअप। इसके आगे मैं इतना कुछ लगाऊँगी ना, मैं कुछ करूँगी। यहाँ पर मेरा मेकअप हो गया ख़त्म। अभी मैं फटाफट से अपने बाल सेट करूँगी, ज्वेलरीज पहनूँगी, एंड आपको ड्रेस बताऊँगी। मेरे हेयर कर्ली है तो मैं अपने बाल पे मतलब कुछ इतना करवा नहीं पाती हूँ, लाइक कलर ज़्यादा मैं हार्श नहीं करा सकती ना ही कुछ, तो मैं ना यूज़ करती हूँ ये लाइक आफ्टर शैम्पू एंड कंडीशनर के बाद, जब अपन नहा के निकल जाते हैं ना उसके बाद कर्ली हेयर वाली यूज़ दिस। ये है बटर जो है फिक्स माई कर्ल से, और ये है जेल। आप दूसरे ब्रांड्स के भी ले सकते हो, और मुझे ब्रांड्स के नाम नहीं पता, मैंने एक दो ब्रांड्स के यूज़ किए थे, लेकिन ये वाला बहुत अच्छा है फिक्स माय कर्ल का। ये मैंने कल लगाया था हल्का सा, एंड अभी भी मेरे कर्ल्स देखो कितने अच्छा स्मूथ है, और ये तीन से चार दिन तक का लास्ट करता है आराम से, एंड देखो गूंज भी नहीं होता है, देख रहे हो मेरे पास। अगर इनकेस अगर गूंज हो जाता है तो हल्का सी का पानी लेने का अपने हाथ में, एंड उसको ऐसे फैला देने का, तो ये कर्ल्स छूट भी जाते हैं, और शाइनी देखो गाइस कितने हैं। एंड बी प्राउड कि तुम्हारे कर्ली हेयर है भाई। आजकल सब पैसे देते कर्ली हेयर कराने के, और अब मेरे तो नेचुरल है, लेकिन मुझे अपने बाल बड़े बनाने हैं, मतलब बड़े चाहिए, तो मुझे बताओ यार कैसे बढ़ाते हैं। सो मैं भी फटाफट से बाल बनाऊँगी, मुझे ऐसा अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं जो स्कूटी से जाना है तो ये पूरे उड़ जाएंगे, तो आई नीड टू टाई अप माई हेयर, सो टाई अप करके मिलते हैं। मेरा बाल बना के हो गया है, एंड आजकल मुझे ऐसे हेयर स्टाइल बहुत अच्छी लगते हैं कम्फी,
एंड ज़्यादा लोचा नहीं। एंड मैंने अपनी ज्वेलरीज पहन ली है, ये मेरी एंगेजमेंट रिंग जो बार बार टूट जाती है और बार बार मुझे बनाना पड़ता है इसका ऊपर का, लेकिन अभी मैं बहुत रेयरली पहनती हूँ, लाइक ओकेजनली। पहले मैं रोज़ पहनती थी इसके लिए टूट जाती थी, अभी ओकेजनली पहनती हूँ तो इतना कुछ नहीं होता उसे। और अभी लगाएंगे परफ्यूम जो है प्लम का, बॉडी रूम्बा, बॉडी मिस्ट हवाई रूम्बा। तो एंड मैंने ये भी पहना है बैंगल्स शायद, हाँ मुझे ब्लैक बंगड़ी डालना था लेकिन मुझे बंगड़ी पहनना इतना नहीं पसंद सो मैं नहीं पहनूंगी। और ये हाथ में की मेरी एप्पल वॉच, और ये है प्लम का वही हवाई रूम्बा का बॉडी ऑयल जो बहुत अच्छा है। एंड इसमें मेरे पास वेनिला फ्लेवर भी है तो एक एक ड्रॉप लगाते हैं। क्योंकि ये ऑयल है तो वो अच्छे से ऐसे स्प्रेड होता है कि अपनी स्किन चमके अच्छे से थोड़ी, और इसके अंदर फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छा आता है। सो अप्लाई कर सकते हो, माइल्ड फ्रेग्रेंस है और गर्ल्स के लिए तो बहुत अच्छा है। और आप लोग ट्राई करना मेरा मेकअप स्किन केयर भी मैं बहुत जल्दी डालूँगी क्योंकि मुझे भी करना होगा, मेरा बर्थडे आ रहा है। सो डन, अभी मैं बताऊंगी आप लोगों को मेरा आउटफिट एंड हम लोग जाएंगे गौरशा बाबा के दरगाह पर। वहाँ पर कवाली है, नियाज है, मेला है, मेला जो मैं जाऊंगी तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। गाइस मुझे अभी याद आया कि मैं वीडियो बनाने के चक्कर में अपनी लेंसेस ही नहीं पहन पाई। क्यों? क्योंकि मैं चश्मा तो पहन के जा नहीं सकती तो मुझे लेंस पहनना होगा फिर से, थोड़ा ख़राब। मैंने अपनी लेंस पहन ली है, उससे ना बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लग जाते अपन, बल्कि अपनी नेचुरल आइज तो है नहीं ऐसी, पर कोई नहीं लेंस ही काम चला लेंगे अपन। तो गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी और ये है मेरा आउटफिट। ये देखो इसको देखो गाइस, इसको फ्लफी नहीं फ्लफी। और ये मेरे प्यारे सैंडल्स एंड हो चुके हैं हम रेडी, सिर्फ वॉच पहनना बाकी जो है अभी चार्जिंग पे। एंड बताओ मुझे मैं कैसी लग रही हूँ। आई नो मैं अच्छी दिखती हूँ, बट कुछ लोगों है जो बुरे बुरे कमेंट्स करेंगे, बट आई डोंट केयर। ओके करते रहो भाई, मेरे पे क्या असर गिरने वाला है। एंड निकलेंगे थोड़े टाइम में जब मेरे को अमीना सची का फ़ोन आया। मैं आ चुकी हूँ गौरशा बाबा के मेले पे और मैं बैठ भी गई हूँ क्योंकि मेरे टिकट निकाल चुके थे अमीना चाची वो लोग, और अभी मजा आ देखो हम लोग। भी अचार ले लूँ जो मेरे लिए बहुत मैंडेटरी है ये चीज़ लेना क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग, सो मैं यहीं पे करती हूँ अपना व्लॉग एंड। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।